लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश में 15 महीने की कांग्रेस सरकार का अंत हो गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजभवन पहुंचकर अपने इस्तीफा सौंप दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। शिवराज सरकार में जनसंपर्क मंत्री रहे और वर्तमान में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस सरकार पर शायराना अंदाज में तंज कसा है। अपने आवास पर आज चर्चा करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज ऐसे अध्याय का अंत हो गया है जो प्रदेश में शोषण कर रहा था। उन्होंने कहा कि अब नया सूरज निकले, नया सवेरा हो, ऐसी सरकार का गठन होने जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज ओले और अतिवृष्टि से किसान परेशान है, मगर सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि महज अंदाजा से कहते हैं कि जीना होगा और जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। एक ऐसे दुखद अध्याय का अंत हुआ है जो शोषण और पीड़ित का था। अब नया सूरज निकले, नया सवेरा निकले और हम नई सोच के साथ सरकार चलाए, ऐसा सोच बन रहा है। आज ओले से पीड़ित किसान है प्रदेश का, अतिवृष्टि से पीड़ित किसान है। ये सरकार ऐसी थी कि इसने सिर्फ किसानों से झूठ बोला, मुआवजा तक नहीं दिया, घोषणा करने के बाद नहीं दिया। किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहा है, नौजवान आत्महत्या को, आत्मा कुंठित होती है, पीड़ित होती है। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार अब आए जो गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की और महिलाओं के सम्मान की चलता है। सीएम साहब ने आज कहा है कि 15 साल भाजपा को दिए मुझे 15 महीने, वो कहीं ना कहीं भाजपा ने लोकतंत्र का गला घोटा। हमने घोला कैसे घोट दिया, हमारे लोग टूटे थे कि उनके टूटे, टूटे तो उनके लोग, उनके नेता टूटे कि हमारे टूटे, उनके नेता टूटे, गला हमने घोट दिया। महजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा और जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, और जहर जब पीते हैं तो कहते हैं मरना भी नहीं, और जब मरते हैं तो कहते हैं जीना होगा। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।